दुआए अरफा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उर्दू तर्जुमा। हम्द है खुदा के लिए जिसके फैसले को कोई बदलने वाला नहीं, कोई इसकी अता रोकने वाला नहीं और कोई इस जैसी सनत वाला नहीं, और वो खुशादगी के साथ देने वाला है। इसने किस्म किस्म की मखलूक बनाई और बनाई हुई चीज़ों को अपनी हिकमत से महकम किया। दुनिया में आने वाली कोई चीज़ इससे पोशीदा नहीं। इसके यहाँ कोई अमानत ज़ाया नहीं होती। वो हर काम पर जज़ा देने वाला है, वो हर खाने को ज़्यादा देने वाला और हर नाला पर रहम करने वाला। वो भलाइयाँ नाजिल करने वाला और चमकते नूर के साथ मुकम्मल व कामिल किताब उतारने वाला है। वो लोगों की दुआओं का सुनने वाला, लोगों के दुख दूर करने वाला, दर्जे बुलंद करने वाला और सरकशों की जड़ काटने वाला है। बस इसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई चीज़ इसके बराबर, कोई चीज़ इसके माने नहीं। और वो सुनने वाला, देखने वाला है, बारीकबीन खबर रखने वाला है और वही हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी तरफ मुतवज्जा हुआ हूँ, तेरे परवरदिगार होने की गवाही देता हूँ और मानता हूँ कि तेरा तू मेरा पालने वाला है, और तेरी तरफ लौटा हूँ कि तूने मुझसे अपनी नेमत का आगाज़ किया इससे पहले कि मैं वजूद में आता, और तूने मुझको मिट्टी से पैदा किया, फिर बड़ों की पुश्तों में जगह दी, मुझे मौत से और माह विसाल में आने वाली आफात से अमन दिया। बस मैं पै दर पै एक पुश्त से एक रहम में आया। इन दिनों में जो गुजरे हैं, इन सदियों में जो बीत चुकी हैं, तूने बेवजह अपनी मोहब्बत और मेहरबानी की, मुझ पर एहसान किया। मुझे काफिर बादशाहों के दौर में पैदा हो नहीं किया कि जिन्होंने तेरे फरमान को तोड़ा और तेरे रसूलों को झुठलाया, लेकिन तूने मुझको इस ज़माने में पैदा किया जिसमें थोड़े अरसे में मुझे हिदायत मुयस्सर आ गई, कि इसमें तूने मुझे पाला और इससे पहले तूने अच्छे उनवान से मेरे लिए मोहब्बत जाहिर फरमाई और बेहतरीन नेमतें अता की, फिर मेरे पैदा करने का आगाज़ टपकने वाले आब हयात से किया और मुझको तीन तारीकियों में ठहरा दिया, यानी गोश्त, खून और जिल्द के नीचे, जहाँ मैंने भी अपनी खुल्लत को ना देखा और तूने मेरे इस मामले में से कुछ भी मुझ पर न डाला। फिर तूने मुझे रहम में मादर से निकाला कि मुझे हिदायत देकर दुनिया में दुरुस्त सालम जिस्म के साथ भेजा और गहवारे में मेरी निगहबानी की। जब मैं छोटा बच्चा था, तूने मेरे लिए ताज़ा दूध की ग़िज़ा बहम पहुँचाई और दूध पिलाने वालियों के दिल में मेरे लिए नरम कर दिए। तूने मेहरबान माओ को मेरी परवरिश का ज़िम्मेदार बनाया, जिनों परी के आसेब से मेरी हिफाजत फरमाई और मुझे हर किस्म की कमी बेशी से बचाए रखा। बस तू बरतर है ए मेहरबान, ए अताओं वाले, यहाँ तक कि मैं बातें करने लगा और यूँ तूने मुझे अपनी बेहतरीन नेमतें पूरी कर दी और हर साल मेरे जिस्म को बढ़ाया, हत्ता कि मेरी जिस्मानी तरक्की अपने कमाल तक पहुँच गई, मेरी शख्सियत में तवाज़ुन पैदा हो गया, तो मुझ पर तेरी हुज्जत कायम हो गई, इसलिए कि तूने मुझे अपनी मार्फत कराई और अपनी अजीब अजीब हिकमतों के ज़रिए मुझे खाइफ कर दिया और मुझे बेदार किया इन चीज़ों के ज़रिए जो तूने आसमान और ज़मीन में अजीब तरह से खल्क की। इस तरह मुझे अपने शुक्र और ज़िक्र से आगाह किया, मुझ पर अपनी फरमाबरदारी और इबादत लाजिम फरमाई। तूने मुझे वो चीज़ समझाई जो तेरे रसूल लाए और मेरे लिए अपनी रज़ाओं की कबूलियत आसान की। इन सब बातों में मुझ पर तेरा एहसान है, इसके साथ तेरी मदद और मेहरबानी है। फिर जब तूने मुझे पैदा किया बेहतरीन खाक से, तो मेरे लिए ऐ अल्लाह तूने एक आद नेमत पर ही बस नहीं की, बल्कि मुझे माश के कई तरीके और फ़ायदे के कई रास्ते अता किए। मुझ पर अपने बड़े बहुत बड़े एहसान व करम से और मुझ पर अपनी साबका मेहरबानियों से, यहाँ तक कि जब मुझे तूने ये तमाम नेमतें दे दीं और तकलीफ़ें मुझसे दूर कर दीं, तेरे आगे मेरी जुर्रत और मेरी नादानी इसमें रुकावट नहीं बनी कि तूने मुझे वो रास्ते बताए जो मुझको तेरे करीब करते और तूने मुझे तौफीक दी कि तेरा पसंदीदा बनूँ। बस मैंने जो दुआ मांगी तूने कबूल की और जो सवाल किया वो तूने पूरा फरमाया। अगर मैंने तेरी अतात की, तूने कदर फरमाई। मैंने
शुक्र किया तूने ज़्यादा दिया, ये सब मुझ पर तेरी नेमतों की कसरत और मुझ पर तेरा एहसान व करम है। बस तू पाक है, तू पाक है कि तू आगाज़ करने वाला, लौटाने वाला, तारीफ वाला, बुजुर्गी वाला, और पाक है तेरे नामों तेरे नाम, और बहुत बड़ी हैं तेरी नेमतें। तो ऐ मेरे खुदा, तेरी किस नेमत की गिनती करूँ और उसे याद करूँ, या तेरी कौन कौन सी अताओं का शुक्र बजा लाऊँ। और ऐ मेरे परवरदिगार, ये तू इतनी ज़्यादा हैं कि शुमार करने वाले इन्हें शुमार नहीं कर सकते, या याद करने वाले इनको याद नहीं रख सकते। फिर ऐ अल्लाह, जो तकलीफ़ें और सख्तियाँ तूने मुझसे दूर की और हटाई हैं, इनमें अक्सर ऐसी हैं जिनसे मेरे लिए आराम और ख़ुशी ज़ाहिर हुई। और मैं गवाही देता हूँ ऐ अल्लाह, अपने ईमान की हकीकत, अपने अटल इरादों की मजबूती, अपने वाज़े व अशकार तौहीद, अपने बातिन में पोशीदा ज़मीर, अपनी आँखों के नूर से पेवस्ता रास्तों, अपनी पेशानी के नकूश के राजों, अपने सांसों की रगों के सुराखों, अपनी नाक के नरम व मुलायम पर्दों, अपने कानों के सुनने वाली झिलियों, और अपने चिपकने और ठीक बंद होने वाले होठों, अपनी ज़बान की हरकत से निकलने वाले लफ्ज़ों, अपने मुंह के ऊपर नीचे के हिस्सों के हिलने वाले दांतों के उगने की जगहों, अपने खाने पीने के जायकेदार होने पर होने, अपने खाने पीने के जायकेदार होने, अपने सर में दिमाग की करारगाह, अपनी गर्दन में ग़िज़ा की नालियों, और इन हड्डियों जिनसे सीना का गहरा हो बना हुआ है, अपने गले के अंदर लटकी हुई शह रग, अपने दिल में आवेज़ा पर्दे, अपने जिगर के बड़े हुए किनारों, अपनी एक दूसरे से मिली और झुकी हुई पसलियों, अपने जोड़ों के हलकों, अपने आज़ा के बंधनों, अपनी उंगलियों के पोरों, और अपने गोश्त खून, अपने बालों, अपनी जल्द, अपने पट्ठों और नालियों, अपनी हड्डियों, अपने मगज़, अपनी रगों, और अपने हाथ पांव और बदन की, जो मेरी शीर ख्वारगी में पैदा हुई, और ज़मीन पर पड़ने वाले अपने बोझ, अपनी नींद, अपनी बेदारी, अपने सुकून और अपने रुकू और सजदे की हरकत, इन सब चीज़ों पर अगर तेरा शुक्र अदा करना चाहूँ और तमाम ज़मानों और सदियों में कोशा रहूँ और उम्र वफा करे, तो भी मैं तेरी इन नेमतों में से एक नेमत का शुक्र अदा करने की ताकत नहीं रखता, मगर तेरे एहसान के ज़रिए, जिससे मुझ पर तेरा एक और शुक्र वाजिब हो जाता है और तेरी लगातार सना वाजिब हो जाती है। और अगर मैं ऐसा करना चाहूँ और तेरी मखलूक में से शुमार करने वाले भी शुमार करना चाहें कि हम तेरी गुज़िश्ता व आइंदा नेमतें शुमार करें, तो हम ना इनकी तादाद का और ना इनकी मुद्दत का हिसाब कर सकेंगे। ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि तूने अपनी खबर देने वाली गोया किताब में सच्ची खबर देकर बताया है कि और अगर तुम खुदा की नेमतों को गिनो तो इनका हिसाब ना लगा सकोगे। तेरी सच्ची है, तेरी किताब सच्ची है ऐ अल्लाह, और तेरी खबरें भी सच्ची हैं। जो तेरे नबियों और रसूलों ने तबलीग की वो सच है, जो तूने इन पर वही नाजिल की वो सच है, और जो इनके लिए और इनके ज़रिए अपने दीन को जारी किया वो सच है। दीगर ये कि ऐ मेरे अल्लाह, गवाही देता हूँ मैं अपनी मेहनत व कोशिश और अपनी फरमाबरदारी व हिम्मत के साथ, और मैं ईमान व यकीन सीखता हूँ कि हम्द खुदा के लिए है जिसने अपना कोई बेटा नहीं बनाया जो इसका वारिस हो, और न मुल्क व हुकूमत में कोई इसका शरीक है जो पैदा करने में इसका हमकार हो, और ना वो कमज़ोर है कि अशिया के बनाने में कोई इसकी मदद करे। बस वो पाक है, पाक है। अगर ज़मीन व आसमान में खुदा के सिवा कोई माबूद होता तो ये टूट फूट कर गिर पड़े। पाक है खुदा यगाना यकता बेनियाज, जिसने ना किसी को जना और ना वो जना गया, और ना कोई इसका हमसर है। हम्द है खुदा के लिए बराबर,
इस हम के जो इसके मुकर्रब फरिश्तों और उसके भेजे हुए नबियों ने की है और इसके पसंद किए हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के खातिम पर खुदा की रहमत हो और उनकी आल पर जो नेक पाक खालिस हैं और इन पर सलाम हो। फिर आपने खुदा ताला से हाजात तलब करना शुरू करें जबकि आपकी आंखों से आंखों से आंसू जारी थे। इस हालत में आप बारगाहे इलाही में यूं अर्ज गुजार हुए, ए अल्लाह मुझे ऐसा डरने वाला बना दे गोया तुझे देख रहा हूँ, मुझे परहेजगारी की सआदत अता कर और नाफरमानी के साथ बदबख्त ना बनाना। अपनी कज़ा में मुझे नेक बना दे और अपनी तकदीर में मुझे बरकत अता फरमा, यहाँ तक कि जिस अम्र में तू ताखीर करे इसमें जल्दी ना चाहूँ और जिसमें तू जल्दी चाहे इसमें ताखीर ना चाहूँ। ऐ अल्लाह पैदा कर दे मेरे नफ्स में बेनियाजी, मेरे दिल में यकीन, मेरे अमल में खुलूस, मेरी निगाह में नूर, मेरे दीन में समझ और मेरे आज़ा में फ़ायदा पैदा कर दे और मेरे कानों और आँखों को मेरा मुती बना दे। जिसने मुझ पर जुल्म किया इसके मुकाबले मेरी मदद कर, मुझे इससे बदला लेने वाला बना, ये आरजू पूरी कर और इससे मेरी आँखें ठंडी फरमा। ऐ अल्लाह मेरी सख्ती दूर कर दे, मेरी पर्दा पोशी फरमा, मेरी खताएं माफ़ फरमा दे, मेरे शैतान को जलील कर और मेरी ज़िम्मेदारी पूरी कर दे मेरे लिए। ऐ मेरे खुदा दुनिया और आखरत में बुलंद से बुलंद तर मर्तबे करार दे। ऐ अल्लाह हम तेरे ही लिए है कि तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझको सुनने वाला देखने वाला बनाया। हम तेरे ही लिए है कि तूने मुझे पैदा किया, तू अपनी रहमत से बेहतरीन तरबियत अता की, हालांकि तू मुझे खल्क करने से बेनियाज था। मेरे परवरदिगार तूने मुझे पैदा किया है तो मुतवाजन बनाया है। ऐ मेरे परवरदिगार तूने मुझे नेमत दी है, तू हिदायत भी अता की है। ऐ परवरदिगार तूने मुझ पर एहसान किया और मुझे सेहत व आफियत दी। ऐ परवरदिगार तूने मेरी हिफाजत की और तौफीक दी। ऐ परवरदिगार तूने मुझे नेमत दी तो हिदायत भी अता कर। ऐ परवरदिगार तूने मुझे अपनी पनाह में लिया और हर भलाई मुझे अता फरमाई। ऐ परवरदिगार तूने मुझे खाना और पानी दिया। ऐ परवरदिगार तूने मुझे माल दिया, मेरी निगहबानी की। ऐ परवरदिगार तूने मेरी मदद की और इज़्ज़त बख्शी। ऐ परवरदिगार तूने अपनी इनायत से मुझे लिबास अता किया और अपनी चीज़ें मेरी दस्तरस में दी हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत फरमा और ज़माने की सख्तियों और शब रोज़ की गर्दिश के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। दुनिया के खौफों और आखरत की सख्तियों से मुझे निजात दे और इस ज़मीन पर ज़ालिमों के फैलाए हुए फसाद से महफूज रख। ऐ अल्लाह हालत खौफ में मेरी मदद फरमा और हर इससे बचाए रख जिससे मैं डरता हूँ। मेरी जान और मेरे ईमान की निगहदारी फरमा। दौरान सफ़र मेरी हिफाजत कर और मेरी अदम मौजूदगी में मेरे माल और औलाद को नज़र में रख। जो रिस्क तूने मुझे दिया है इसमें बरकत दे। मेरे नफ्स को मेरा मुती बना दे और लोगों की निगाहों में मुझे इज्जत दे। मुझको जिनों और इंसानों की बदी से महफूज फरमा। मेरे गुनाहों पर मुझे बेपर्दा ना कर। मेरी बातिन से मुझे रुसवा ना कर। मेरे अमल पर मेरी गिरफ्त ना कर। अपनी नियमतें मुझसे ना छीन। मुझे अपने गैर के हवाले ना कर। मेरे खुदा तू मुझे जिसके भी हवाले करेगा वो जल्द ही नज़रें फेरे या थोड़े अरसे के बाद मुझसे नफ़रत करेगा या इनके हवाले करेगा जो पस्त समझें। जबकि तू मेरा परवरदिगार और मेरा मालिक है। मैं अपनी इस बेकसी अपने घर से दूरी और जिसे तूने मुझ पर इख्तियार दिया है तुझी से इसकी शिकायत करता हूँ। मेरे अल्लाह मुझ पर अपना गज़ब नाजिल ना फरमा, बस अगर तू नाराज़ ना हो तो फिर मुझे तेरे सिवा किसी की परवाह नहीं। तेरी ज़ात पाक है, तेरी मेहरबानी मुझ पर बहुत ज़्यादा है। बस मज़ीद सवाल करता हूँ वास्ता तेरे नूर के जिससे ज़मीन और सारे आसमान रोशन हुए। तारीकियाँ इसके ज़रिए से छट गईं
और इससे अगले पिछले लोगों के काम सुधर गए। ये कि मुझे मौत न दे जब तू मुझसे नाराज़ हो और मुझ पर सख्ती न डाल, तुझसे माफ़ी का तालिब हूँ, माफ़ी का तालिब हूँ, हत्ता कि तू मेरी मौत से पहले मुझसे राज़ी हो जाए। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं कि तू हुरमत वाले शहर, हुरमत वाले मशर और पाकीज़ा घर काबा का रब है, जिसमें तूने बरकत नाजिल की और इसे लोगों के लिए जाए अमन करार दिया। ए वो जो अपनी नरमी से बड़े बड़े गुनाह माफ़ करता है, वो जो अपने फ़जल से नेमतें कामिल करता है, ए वो जो अपने करम से बहुत अता करता है, ए सख्ती के वक्त मेरी मदद पर आमादा, ए तन्हाइयों के हंगाम मेरे साथी, ए मुश्किल में मेरी फरियाद रस, ए मुझे नेमत देने वाले, ए मालिक, ए मेरे माबूद और मेरे अबाव अजदाद हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसाक और हज़रत याकूब के माबूद और मुकर्रब फरिश्ते जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील के रब, और ए नबियों के खातिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनकी ग्रामी कदर आल के रब, ए तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान करीम के नाजिल करने वाले, ए क़ैस, ताहा, यासीन और कुनारिक और कुरान करीम के नाजिल करने वाले, तू ही मेरे जाए पना है। जब ज़िंदगी के वसी रास्ते मुझ पर तंग हो जाएं और ज़मीन कुशादगी के बावजूद मेरे लिए तंग हो जाए, और अगर तेरी रहमत शामिल लेहाल ना होती तो मैं तबाह हो जाता, तू ही मेरे गुनाह माफ़ करने वाला, और अगर तू मेरी पर्दापोशी ना करता तो मैं रुस्वा होकर रह जाता, और तू अपनी मदद के साथ दुश्मनों के मुकाबले में मुझे कुव्वत देने वाला है, और अगर तेरी मदद हासिल ना होती तो मैं ज़ेर हो जाने वालों में से हो जाता। ऐ वो जिसने अपनी ज़ात को बुलंदी और बरतरी के लिए ख़ास किया और जिसके दोस्त इसकी इज्जत से इज्जत पाते हैं, और वो जिसके दरबार में बादशाहों ने अपनी गर्दनों में आजी का तौक पहना, बस वो इसके दबदबे से डरते हैं, वो आंखों के इशारों को और जो सीनों में छुपा है इसे जानता है, और इन गैब की बातों को जानता है जो आइंदा ज़मानों में ज़ाहिर होंगी। ऐ वो जिसकी हकीकत कोई नहीं जानता मगर वो खुद, ऐ वो जिसकी हकीकत कोई नहीं जानता वो खुद, ऐ वो कोई जिसका इल्म नहीं रखता वो मगर वो खुद है, वो जिसने ज़मीन को पानी की सतह पर रखा हुआ है और हवा को फिजा व आसमान में बांधा हुआ है। ऐ वो जिसके लिए सबसे बेहतरीन नाम है, ऐ एहसान के मालिक जो किसी के वक्त में मुनक़ता ना होता, ऐ यूसुफ के लिए बेआब बयाबा में कारवान को रोकने वाले और उन्हें कुएं में से निकालने वाले और ग़ुलामी के बाद इनको बादशाह बनाने वाले, ऐ यूसुफ के याकूब से मिलाने वाले जबकि इनकी आंखें रोते रोते सफ़ेद हो चुकी थी और वो सख्त गम ज़दा रहते थे, ऐ अय्यूब को नुकसान और मुसीबत से निजात देने वाले, और ऐ अपने बेटे को ज़िबा करने वाले करने में इब्राहीम के हाथों को रोकने वाले जब वो बहुत बूढ़े और ज़िंदगी की आखिरी मंजिल में थे, ऐ वो जिसने ज़िक्रिया की दुआ कबूल की बस इन्हें याहिया अता किया और इन्हें यको तन्हा ना छोड़ा था, ऐ वो जिसने यूनुस को मछली के पेट से बाहर निकाला, ऐ वो जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया में रास्ते बनाए बस इन्हें निजात दी और फिरौन और इसके लश्कर को गर्क कर दिया, ऐ वो जो बारान रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है, ऐ वो जो अपनी मखलूक में नाफरमानी करने की गिरफ्त में जल्दी नहीं करता, ऐ वो जिसने जादूगरों को मुद्दतों के कुफर से निजात अता फरमाई जबकि वो इसकी नियमतों से फ़ायदा उठाते, इसकी दी हुई रोज़ी खाते और इबादत इसके गैर की करते, वो खुदा से दुश्मनी करते, शिर्क की राह पर चलते और इसके रसूलों को झुठलाते थे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ आगाज़ करने वाले, ऐ पैदा करने वाले, तेरी कोई सानी नहीं, ऐ हमेश की वाले, तुझे फना नहीं, ऐ जिंदा जब कोई ज़िंदा ना था, ऐ मुर्दों को ज़िंदा करने वाले, ऐ हर नफ्स के आमाल पर निगेबान जो इसने अंजाम दिए, ऐ वो मैंने जिसका शुक्र कम किया तब भी इसने मुझे महरूम ना किया, मैंने बड़ी बड़ी ख़ताएँ की तब भी इसने मुझे रुस्वा ना किया, इसने मुझे नाफरमान देखा तो पर्दाफाश ना किया,
ऐ वो जिसने मेरे बचपने में मेरी हिफाजत की, ऐ वो जिसने मेरे बुढ़ापे में रोज़ी दी, ऐ वो जिसकी नेमतों का कोई शुमार ही नहीं और जिसकी नेमतों का कोई बदला नहीं, ऐ वो जिसने मुझसे भलाई और एहसान किया और मैंने बुराई और नाफरमानी पेश की, ऐ वो जिसने मुझे ईमान की राह बताई इससे पहले कि इस पर मेरी तरफ से शुक्र अदा होता, वो जिसे मैंने बीमारी में पुकारा तो मुझे शिफा दी, उरियानी में पुकारा तो लिबास दिया, भूख में पुकारा तो मुझे सैर किया, प्यास में पुकारा तो सैराब किया, पस्ती में इज्जत दी, नादानी में मार्फत बख्शी, तन्हाई में कसरत दी, सफ़र से वतन पहुँचाया, तंगदस्ती में मुझे माल दे दिया, मदद मांगी तो मेरी मदद फरमाई, तवंगर था तो मेरा माल नहीं छीना, और मैंने इन चीज़ों का शुक्र ना किया तो इसने देने में पहल की, पर सारी तारीफ और शुक्र तेरे ही लिए है, ऐ वो जिसने मेरी लग्जिश माफ़ की, मेरी तकलीफ दूर की, मेरी दुआ कबूल फरमाई, मेरी ऐबों को छुपाया, मेरे गुनाह बख्श दिए, मेरी हाजत पूरी की और दुश्मन के ख़िलाफ़ मेरी मदद की, और अगर मैं तेरी नेमतें तेरे एहसान और अताओं को शुमार करूँ तो शुमार नहीं कर सकता, ऐ मेरे मालिक तू वो है जिसने एहसान किया, तू वो है जिसने नेमत दी, तू वो है जिसने बेहतरी की, तू वो है जिसने जमाल दिया, तू वो है जिसने बढ़ाई दी, तू वो है जिसने कमाल अता किया, तू वो है जिसने रोज़ी दी, तू वो है जिसने तौफीक दी, तू वो है जिसने अता किया, तू वो है जिसने माल दिया, तू वो है जिसने निगहदारी की, तू वो है जिसने पनाह दी, तू वो है जिसने काम बनाया, तू वो है जिसने हिदायत की, तू वो है जिसने गुनाह से बचाया, तू वो है जिसने परवरिश की, तू वो है जिसने माफ़ किया, तू वो है जिसने बख्श दिया, तू वो है जिसने कुदरत दी, तू वो है जिसने इज्जत बख्शी, तू वो है जिसने आराम दिया, तू वो है जिसने सहारा दिया, तू वो है जिसने हिमायत की, तू वो है जिसने मदद की, तू वो है जिसने शिफा दी, तू वो है जिसने आराम दिया, तू वो है जिसने बुजुर्ग दी, तू बड़ा बरकत वाला और बढ़तर है, हमेशा बस हमद ही तेरे लिए है और शुक्र लगातार हमेशा हमेशा तेरे ही लिए है, फिर मैं हूँ ऐ मेरे माबूद अपने गुनाहों का एतराफ़ करने वाला, बस मुझे इनसे मुआफ़ी दे, मैं वो हूँ जिसने बुराई की, मैं वो हूँ जिसने ख़ता की, मैं वो हूँ जिसने बुरा इरादा किया, मैं वो हूँ जिसने नादानी की, मैं वो हूँ जिससे भूल हुई, मैं वो हूँ जो चूक गया, मैंने खुद पर एतमाद किया, मैंने दानिस्ता गुनाह किया, मैं वो हूँ जिसने वादा किया, मैं वो हूँ जिसने वादा खिलाफी की, मैं वो हूँ जिसने अहद तोड़ा, मैं वो हूँ जो इकरार करता है, और मैं वो हूँ जो तेरी नेमतों का एतराफ़ करता हूँ जो मुझे मिली हैं और मेरे पास हैं, मुझ पर गुनाहों का बड़ा बोझ है, बस मुझे माफ़ कर दे, ऐ वो जिसके बंदों के गुनाह नुकसान नहीं पहुँचाते और वो इनकी बंदगी से बेनियाज है और तौफीक देता है इसे अपनी मेहरबानी और मदद से जो इनमें से नेक अमल करे, बस हम तेरे ही लिए हैं, ऐ मेरे माबूद और सरदार, ऐ मेरे माबूद तूने हुक्म दिया तो मैंने नाफरमानी की जिससे तूने मुझे रोका, मैं वो काम कर गुज़रा, बस हाल ये है कि ना गुनाह से बुरी हूँ कि अज़र करूँ, ना ये ताकत है कि कामयाब हो जाऊँ, बस क्या चीज़ लेकर तेरे सामने आऊँ, ऐ मेरे मालिक आया अपने कान या अपनी आँख या अपनी ज़बान या अपने हाथ या अपने पाँव के साथ, क्या ये सब मेरे पास तेरी नेमतें नहीं हैं और इन सब के साथ मैंने तेरी नाफरमानी की, ऐ मेरे मौला बस तेरे पास मेरे ख़िलाफ़ हुज्जत और दलील है, ऐ वो जिसने माँ बाप से मेरी पर्दापोशी की कि वो मुझे धुतकार देंगे, अहल कबीला और भाई बंदों से मेरा पर्दा रखा कि मुझे डांट डपट करेंगे और हाकमों से मेरा पर्दा रखा कि वो मुझे सज़ा देंगे, ऐ मेरे मौला अगर वो मेरे बारे में वो जान लेते जो कुछ तू जानता है तो
तो वो मुझे कभी मोहलत ना देते, मुझे छोड़ जाते और कताए ताल्लुक कर जाते। बस ऐ मेरे माबूद, मैं तेरे सामने हाजिर हूँ। ऐ मेरे सरदार, मैं पस्त आजिज कैदी बेमाया हूँ। ना गुनाह से बुरी हूँ बरी हूँ कि अज़र करूँ, और ना ताकत है कि कामयाब हो जाऊँ। ना कोई दलील है कि वो पेश करूँ, ना ये कह सकता हूँ कि गुनाह नहीं किया, और ना ये कि बुराई नहीं की। इससे इनकार का कोई रास्ता नहीं, और अगर इनकार करूँ तो ऐ मेरे मौला इसका कुछ फ़ायदा नहीं। और ऐसा क्यों कर हो सकता है जब मेरे आज़ा मुझ पर गवाह हैं कि जो कुछ मैंने अमल किया, और मैं जानता हूँ यकीन के साथ, जिसमें शक नहीं कि ज़रूर तू बड़े मामलों में मेरी बात पस करेगा। बिला शुबा तू इंसाफ का फ़ैसला देने वाला है कि जो ज़्यादती नहीं करता, तेरा इंसाफ मुझे नाबूद कर देगा, और मैं तेरे ही अदल से डरता भागता हूँ। बस अगर तू मुझे अजाब दे ऐ मेरे अल्लाह, तो वो मेरे गुनाहों की वजह से मुझ पर तेरी हुज्जत है। अगर तू मुझे माफ़ फरमा दे तो ये तेरी तरफ मेहरबानी, तेरी बख्शिश और तेरे करम का नतीजा। और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं सितमकारों में से हूँ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं माफ़ी मांगने वाला में से हूँ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं तौहीद परिस्तों में से हूँ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं तुझसे डरने वालों में से हूँ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं खौफ रखने वालों में से हूँ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं उम्मीदवारों में से हूँ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं तवज्जो करने वालों में से हूँ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं नाम लेवाओं में से हूँ। नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक तर है, बेशक मैं सवाल करने वालों में से हूँ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं तस्बीह करने वालों में से हूँ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं तकबीर कहने वालों में से हूँ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है कि मेरा रब और मेरे पहले बुजुर्गों का रब है। ऐ माबूद, मेरी तरफ से ये तेरी सना है, तेरी शान बयान करते हुए, ये तेरे जिक्र के बारे में मेरा खलूस तौहीद को मानते हुए, और मेरी तरफ से ये तेरी मेहरबानियों का इकरार है, इनको शुमार करते हुए। अगरचा ये मानता हूँ कि मैं इनका शुमार नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज़्यादा हैं और बहुत सी हैं, वो आया हैं और पहले से अब तक मिल रही हैं। तूने मुझको ये नेमात देने में हमेशा याद रखा है, जब से तूने मुझे पैदा किया, और अव्वल उम्र में मुझे बेमायगी में तवंगरी का हिस्सा इनायत फरमाया, तंग दस्ती से बचाया, आसाइश के असबाब फराहम किए, और सख्ती दूर फरमाई, मुसीबत से छुटकारा दिलाया, जिस्मानी सेहत नसीब की, और दीन ईमान पर पूरी तरह कायम रखा। और अगर तेरी नेमतों का अंदाज़ा करने के लिए दुनिया जहान के लोग अव्वलीन और आखरीन में से मेरा साथ दें, तो भी मैं अंदाज़ा ना कर सकूँगा, और ना ही वो अंदाज़ा कर सकेंगे। तू पाकीज़ा है और बुलंदर है परवरदिगार, शान वाला, बड़ाई वाला, रहम वाला, तेरी मेहरबानियों का शुमार नहीं, तेरी तारीफ़ का हक अदा नहीं हो पाता, और तेरी नेमतों का बदला नहीं दिया जा सकता। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा, और हम पर अपनी नेमतें पूरी फरमा, अपनी बंदगी के साथ खुशबख्त बना दे। पाक तर है तू, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह बेशक लाचार की दुआ कबूल करता है, बुराई दूर करता है, मुसीबत ज़दा की फरियाद को पहुंचता है, बीमार को सेहत देता है, मुफलिस को माल देता है, टूटे हुए को जोड़ता है, छोटे पर रहम करता है, बड़े की मदद करता है। और तेरे सिवा कोई सहारा देने वाला नहीं, और तुझ पर कोई बला दस्त नहीं, तू बरतर बुजुर्गी वाला है। ऐ कैदी को फंदे से छुड़ाने वाले, ऐ नन्हे बच्चे को रोज़ी देने वाले, ऐ डरे हुए पनाह के तालिब को बचाने वाले, ऐ वजात जिसका कोई सानी नहीं ना कोई वज़ीर। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा, आज की शब मुझे इससे बेहतर दे जो तूने किसी को दिया है, और अपने बंदों में से किसी को कोई नेमत अता फरमाई, और जो मेहरबानी किसी पर की है, और जो सख्ती दूर की है, जो मुसीबत हटाई है, जो दुआ तूने सुनी है, जो नेकी कबूल की है, और जो बुराई माफ़ की है, बेशक जिस पर चाहे तू लुत्फ़ करता है।
और ख़बर रखता है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ऐ अल्लाह, बेशक तू करीब तर है, जिसे पुकारा जाता है तो तेज़ तर है, जो कबूल करता है माफ़ करने वालों में से बेहतरीन अता करने वालों में ज़्यादा अता करने वाला और सवाली की बहुत सुनने वाला। ऐ दुनिया व आखरत में रहम करने वाले और दिनों जगहों जगह पर मेहरबान, कोई तेरे जैसा नहीं जिससे सवाल किया जाए और सिवाय तेरे कोई नहीं जिस पर उम्मीद रखी जाए। मैंने दुआ की, तूने कबूल की, मैंने मांगा बस तूने अता किया, मैंने तेरी तरफ तवज्जो की बस तूने रहम फरमाया, तेरा सहारा लिया बस तूने निजात दी, मैं तुझसे डरा तूने मेरी मदद फरमाई। ऐ अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत फरमा, जो तेरे बंदे तेरे रसूल और तेरे नबी हैं, और इनकी आल पर जो सबके सब बेऐब और पाक तर हैं, और हम अपनी नेमतें पूरी कर और हम पर अपनी नेमतें पूरी कर और हम पर खुशखबार अताएँ फरमा, हमें अपने शुक्रगुजारों में रख और अपने एहसानों का जिक्र करने वालों में रख। ऐसा ही हो ऐ जहानों के परवरदिकार। ऐ अल्लाह, वो मालिक जो बाकुदरत है, ऐ बाकुदरत जो गालिब है, ऐ वो जो नाफरमानी को ढांपता है और बख्शिश आने वालों पर बख्शता है, ऐ तलबगारों तवज्जह करने वालों की उम्मीद का और आर्जूमंदों के मकाम आर्जू, ऐ वो के जिसका इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है और तू और तौबा करने वालों के लिए मोहब्बत व मेहरबानी और मुलायमत से जिसका दामन वसी है। ऐ अल्लाह, हमने तवज्जह की और तेरी तरफ आज की रात में, जिसे तूने बुजुर्गी और बड़ाई दी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, जो तेरे नबी तेरे रसूल और मखलूकात में से तेरे चुने हुए, तेरी वही के अमानदार, बशारत देने वाले, डराने वाले, रोशन चराग हैं, जिनके वजूद को तूने मुसलमानों के लिए नेमत बनाया और उनको सारे जहानों के लिए रहमत करार दिया। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, ऐ और इनकी आल पर, जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी तरफ से इनके लायक हैं। ऐ बुजुर्ग तर, इन पर और इनकी आल पर रहमत नाजिल कर, जो सबके सब बुलंद तर, नेक निहाद और पाक हैं, और हमें माफ़ी देकर हमारी पर्दा पोशी कर, क्योंकि तेरे हुजूर फरियाद हो रही हैं हर हर देश की ज़बान में। बस ऐ अल्लाह, आज की रात में हर नेकी में से हिस्सा करार दे हमारे लिए, जो तूने अपने बंदों के दरमियान तकसीम की, नूर में जिससे हिदायत फरमाई, रहमत में जो आम की, बरकत में जो तूने नाजिल की, आफियत के लिबास में जो तूने पहनाया, रिस्क में जो वसी किया। ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, ऐ अल्लाह, इस वक्त हमें बदल कर बना दे कामयाब होने वालों में, फला पाने वाले, पसंदीदा अमल वाले और नफ़ा उठाने वाले, और हमें मायूस होने वालों में करार ना दे, हमें अपनी रहमत से दूर ना कर, हमें इस चीज़ में महरूम ना फरमा जिसकी तेरे फजल में से उम्मीद करें, और हमको अपनी रहमत से महरूम व खाली करार ना दे, तेरी अता में से जिसकी इनायत की उम्मीद करें इससे मायूस ना फरमा, हमें नाकाम करके ना पलटा और अपनी बारगाह से धतकारे हुए करार ना दे। ऐ बहुत अता वालों में बड़ी अता वाले और इज़्ज़तदारों में बड़ी इज़्ज़त देने वाले, हम तेरी दरगाह में लौट के आए हैं, मौतक बनकर हम तेरे मोहतरम घर काबे में पुकार करते हैं हुए आए हैं। बस आमाल हज में हमारी मदद फरमा और हमारे हज मुकम्मल करा दे, हमें माफ़ फरमा, पनाह दे के हमने अपने हाथ में तेरे आगे फैलाए हैं कि जिन पर गुनाहों के इकरार अतराफ के निशान हैं। अल्लाह, बस हमें आज की रात में जो हमने तुझसे मांगा अता फरमा, तमाम कामों में हमारी मदद कर कि तेरे सिवा कोई माबूद कि तेरे सिवा कोई हमारी किफ़ायत करने वाला नहीं और सिवाय तेरे कोई हमारा रब नहीं, कि तेरे हुक्म ही हम पर जारी है, तेरा इल्म हमारे घेरे हुए है, हमारे लिए तेरा फ़ैसला दुरुस्त है, हमारे लिए अच्छा फ़ैसला कर और हमें नेकुकारों में से करार दे। ऐ अल्लाह, हमारे लिए अपनी अता से बहुत से बड़ा अजर, बेहतरीन ज़खीरा और हमेशा की आसाइश वाजिब कर दे, हमारे सारे के सारे गुनाह बख्श दे और हमें तबाह होने वालों के साथ तबाह ना कर, अपनी मेहरबानी और रहमत हमसे दूर ना फरमा। ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, ऐ अल्लाह, इस वक्त हमें इन लोगों में करार दे जिन्होंने तुझसे मांगा तूने अता किया, जिन्होंने शुक्र किया तूने ज़्यादा दिया,
तेरी तरफ पलटे तो तूने इन्हें कबूल किया, अपने गुनाहों के साथ तेरी तरफ आए तो इनके सभी गुनाह के माफ़ कर दिए। ऐ जलालत व इज़्ज़त के मालिक, ऐ अल्लाह हमें पाक कर, हमारी रहनुमाई फरमा, हमारी जारी कबूल कर। ऐ बेहतरीन सवाल शुदा तलब, रहमत पर ज़्यादा रहमत करने वाले, ऐ वो जिस पर पोशीदा नहीं है पलक का झपकना, ना आँखों का इशारा, ना वो चीज़ जो पर्दे के नीचे हो, और ना वो बात जो दिलों के पर्दों में लिपटी हुई हो। और हाँ, इन सब को तेरे इल्म ने शुमार कर रखा है, तेरी नरमी और इन पर छाई हुई है। तू पाकतर और बुलंदतर है इससे जो ना हक कहने वाले कहते हैं, तू बुलंदतर बुजुर्गतर तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। सातवां आसमान और सातवां ज़मीनें, जो कुछ इनमें है नहीं कोई चीज़ मौजूद है मगर वो तेरी हम्द कर रही हैं। बस हम तेरे लिए है ए बुजुर्गी बुलंद शान, ए जलालत व इज़्ज़त के मालिक, फजल करने वाले, नेमत देने वाले, बड़ी बड़ी अताएँ करने वाले, और तू बख्शिश करने वाला, करम करने वाला, नरमी करने वाला, मेहरबान है। अल्लाह मेरे लिए अपना रिस्क हलाल वसी फरमा, मेरे बदन और मेरे दीन की हिफाजत फरमा, मुझे खौफ से बचा और मेरी गर्दन को जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे। अल्लाह मुझे गलत फहमी में ना डाल, धोखे में ना रख, मुझे फरेब ना खाने दे, और नापकार जिनों और इंसानों को मुझे दूर कर दे। फिर आपने अपने सर और आँखों को आसमान की तरफ बुलंद किया, जबकि आपकी आँखों से आंसू रवा थे, और आप आवाज़ बुलंद अर्ज़ कर रहे थे, ऐ सबसे ज़्यादा सुनने वाले, ऐ सबसे ज़्यादा देखने वाले, ऐ सबसे ज़्यादा, ऐ सबसे तेज़ तर हिसाब करने वाले, ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा, जो बरकत वाले सरदार हैं। और मैं तुझसे सवाल करता हूँ ऐ अल्लाह अपनी साजत का, कि अगर तू वो अता कर दे तो जो कुछ तूने नहीं दिया और इससे मुझे नुकसान नहीं, और अगर तू वो अता ना करे तो जो तूने दिया इससे मुझे कोई नफ़ा नहीं। सवाल करता हूँ कि मेरी गर्दन जहन्नुम से आज़ाद कर दे, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे लिए हुकूमत, तेरे लिए हमद है, और तू हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। ऐ रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, मेरे अल्लाह, मैं अपनी तवंगरी में भी तू मोहताज हूँ, तू अपने फ़िक्र की हालत में क्यों ना मोहताज होऊंगा। मेरे अल्लाह, मैं इल्म रखते हुए भी जाहिल हूँ तो अपनी जहालत में क्यों ना जाहिल होऊंगा। ऐ अल्लाह, बेशक तेरी तदबीर के तगैर व तब्दील और तेरी जल्द वारद होने वाली तकदीर ने तेरी मार्फत रखने वाले बंदों को, तेरे मार्फत रखने वाले बंदों को है तेरी अता की उम्मीद न रखने और मुश्किल के वक्त तुझसे मायूस हो जाने से रोका हुआ है। मेरे अल्लाह, मैंने वो किया जो मेरी पस्ती का तकाजा है, और तू वो करेगा जो तेरी बड़ाई के लायक है। मेरे अल्लाह, मेरी कमज़ोरी से पहले ही तेरी ज़ात लुत्फ़ करम के औसाफ़ रखती है, तो क्या मेरी कमज़ोरी के बाद मुझसे तू ये मेहरबानी रोक देगा। मेरे अल्लाह, अगर मुझसे नेकियां ज़ाहिर हुई तो ये तेरा फ़ज़ल है, और मुझ पर ये तेरा एहसान है कि अगर मुझसे बुराइयों का ज़हूर हुआ है तो ये तेरा अदल है, और मुझ पर तेरी हुज्जत कायम हो गई है। मेरे अल्लाह, कैसे तू मुझको छोड़ देगा जबकि तू मेरा कफ़ील है, क्योंकि मैं रों या जाऊँ जबकि तू मेरा परवरदिगार है, या किसे कैसे बेआस हो जाऊँ कि जबकि तू मुझ पर मेहरबान है, और मैं तेरी दरगाह जबकि वो तुझसे तेरी पोशीदा नहीं है, कि मैं अपने फ़िक्र के साथ आया हूँ, और किस तरह तुझे अपना वसीला बनाऊँ जबकि ये नामुमकिन है कि कोई तुझ तक पहुँच पाए, या क्यों कर तुझसे अपने हालात की शिकायत करूँ, या किस तरह अपनी ज़बान से इनकी तशरीह करूँ जबकि वो तेरी तरफ से और तुझ पर आया है, या क्यों कर मेरी आरजुएँ नाकाम रहेंगी जबकि ये तेरे जनाब में पेश की जा चुकी हैं, या क्यों कर मेरे हालात बेहतर ना होंगे जबकि मैं तेरी वजह से कायम हूँ। मेरे अल्लाह, तेरा कितना लुत्फ है मुझ पर जबकि मैं बड़ा ही नादान हूँ, तू किस कदर मेहरबान है मुझ पर जबकि मैं ख़ताकार हूँ। मेरे अल्लाह, तू कितना नज़दीक है मुझसे जबकि मैं तुझसे बहुत दूर हूँ, कितना मेहरबान है तू मुझ पर, किसने मुझे तुझसे हटा दिया है।
मेरे अल्लाह दुनिया के हालात की तब्दीलियों और तरीकों के तगैयुरात के ज़रिए मैं जान गया हूँ कि तेरी मुराद ये है कि तू हर चीज़ से मुझे अपनी शनासाई कराए, ताकि मैंने किसी चीज़ की ज़मन में तेरी कुदरत से ना वाकिफ ना रहूँ। मेरे अल्लाह, जब मेरी पस्ती मुझे गंग कर देगी तो तेरा करम मुझको गोया कर देगा। जब भी मैं मेरे बुरे असाब मुझे मायूस करते हैं, तेरे एहसान मुझे हौसला देते हैं। मेरे अल्लाह, जिस शख्स की खूबियाँ भी बुराइयाँ हों तो उसकी बुराइयाँ क्यों ना बुराइयाँ शुमार की जाएंगी, और जिस शख्स की हकीकत ही महज खोखली बातें हों तो उसकी खाली खुली बातें क्यों ना महज बातें तसव्वुर की जाएं। मेरे अल्लाह, तेरा हुक्म जारी है, तेरे मर्जी व काहिर व गालिब है कि इनके मुकाबले बदलने वाला बोल नहीं सकता और ना कोई साहिब हाल कुछ कर सकता। मेरे अल्लाह, कितनी ही बार मैंने अतात करते हुए इबादत की शक्ल बनाई है, मगर तेरे अदल के खौफ से इस पर मेरा भरोसा ना रहा, बल्कि वो तेरे फजल से मेरी बख्शिश का ज़रिया बनी। मेरे अल्लाह, बेशक तू जानता है, अगरचा मैं इबादत में मुस्तकलन मशगूल नहीं हूँ, तो भी तुझसे मेरी मोहब्बत हमेशा रासिख है। मेरे अल्लाह, किस कदर बंदगी का इरादा करूँ जबकि तू गालिब है, क्यों कर इरादा ना करूँ जबकि तू हुक्म देता है। मेरे अल्लाह, तेरी कुदरत के आसार में गौर करना तेरे दीदार से दूरी का सबब है। बस मुझे अपने हुजूर हाजिर रख, तेरी सरकार में पहुंच पाऊँ, क्योंकि वो चीज़ तेरी तरफ रहनुमाई कर सकती है जो अपने वजूद ही में तेरी मोहताज है। आया तेरे गैर के लिए ऐसा जहूर है जो तेरे लिए नहीं है, यहाँ तक कि वो तुझे जाहिर करने वाला बन जाए तो कब गायब था कि किसी ऐसे निशान की हाजत हो जो तेरी दलील ठहरे, और तू कब दूर था कि आसार और निशान तुझ तक पहुँचाने का ज़रिया और वसीला बने। अंधी है वो आग जो तुझको अपना निगेबान नहीं पाती। इस बंदे का सौदा खसारे वाला है जिसको तूने अपनी मोहब्बत का हिस्सा नहीं दिया। मेरा अल्लाह, तूने अपनी कुदरत के आसार पर तवज्जो का हुक्म किया, बस मुझको अपने नूर के पर्दों और बसीरत के रास्तों की तरफ से ले चल, ताकि इसके ज़रिए तेरी दरगाह में आऊँ जिस तरह इन्हीं के ज़रिए तेरी तरफ राह पाई, इन्हें देख कर राज हकीकत की खबर पाऊँ, इनके सहारे अपनी हिम्मत को बुलंद करूँ। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। मेरे अल्लाह, यह है मेरी पस्ती जो तेरे आगे आया है, और यह है मेरी बुरी हालत जो तुझसे पोशीदा नहीं। मैं तेरी पारगाह में पहुँचना चाहता हूँ और तुझ पर तुझी को दलील ठहराता हूँ। बस अपने नूर से मेरी अपनी तरफ रहनुमाई कर और अपने हुजूर मुझे सच्ची बंदगी पर कायम रख। मेरे अल्लाह, मुझे अपनी पोशीदा उलूम में तुझसे तालीम दे और अपने मुहक्किम पर्दे के साथ मेरी हिफाजत कर। मेरे अल्लाह, मुझे अपने अहल कुर्ब के हकाइक से बहरावर फरमा और इनके राह पर डाल जो तेरी तरफ खिंचते चले जाते हैं। मेरे अल्लाह, अपने तदबीर और पसंद के ज़रिए मुझे मेरे तदबीर और पसंद से बेनियाज कर। परेशानी के आलम में मुझे साबित कदम रख। मेरे माबूद, मुझे मेरे नफ्स की पस्ती से निकाल ले, मुझे शक और शिर्क से पाक कर दे कबल इसकी कि मैं कब्र में जाऊँ। तुझसे मदद चाहता हूँ, मेरी मदद फरमा, तुझ पर भरोसा करता हूँ, बस मुझे छोड़ ना दे। तुझसे मदद मांगता हूँ, बस ना उम्मीद ना कर, तेरे फजल की आस लगाई है, बस मुझे महरूम ना कर, तेरी बारगाह से ताल्लुक़ जोड़ा है, बस मुझे दूर ना फरमा, तेरा दरवाज़ा खटखटाता हूँ, बस मुझे भगा ना दे। मेरे अल्लाह, तेरी रजा पाक है, मुमकिन नहीं इसमें तेरी तरफ से नुक्स आए, फिर कैसे मुमकिन है कि मैं इसे नुक्सदार कहूँ। मेरे अल्लाह, तू अपनी ज़ात में बेनियाज है इसके कि तुझे अपनी ज़ात से नफ़ा पहुँचे, क्योंकि तू मुझसे बेनियाज ना होगा। मेरे अल्लाह, कज़ा व कदर मुझको आरजूमंद बनाती है और ख्वाहिश नफ्स मुझे आरजू का कैदी बना लेती है, बस तू मेरा परवरदिगार बन जा ताकि कामयाब हो जाऊँ, बीना और हो जाऊँ, और अपने फजल से मुझको बेनियाज कर दे ताकि तेरे ज़रिए हाजत से बेनियाज हो जाऊँ। तो वो है जिसने अपने दोस्तों के दिलों को नूर की शुआओं से रोशन कर दिया तो उन्होंने तुझे पहचाना और तुझे एक माना, और तू वो है जिसने अपने दोस्तों के दिलों से गैरों को दूर कर दिया तो वो सिवाय तेरे किसी से मोहब्बत नहीं रखते और तेरे गैर की पनाह नहीं लेते। जब जमाना इनको हरासा करे, इस वक्त तू ही इनकार हमदम है, और तू वो है जिसने इनकी रहनुमाई की जब वो तेरे निशान बुरहान से दूर हुए। इसने क्या पाया जिसने तुझे खोया, और उसने कुछ ना खोया जिसने तुझको पाया,
और यकीनन नाकाम हुआ जो तेरी बजाय किसी और को पसंद करने लगा। वो घाटे में पड़ा जो सरकशी के साथ तुझसे फिर गया। किस तरह तेरे गैर से उम्मीद रखी जा सकती है जबकि तेरा एहसान करम रुकता ही नहीं, और क्यों कर तेरे गैर से सवाल किया जा सकता है जबकि तेरे फजल एहसान करने की आदत में तब्दीली नहीं आती। और वो जो अपने दोस्तों को उल्फत की मिठास चखाता है बस वो इसके हुजूर तारीफ़ें करते खड़े हो जाते हैं। वो जो अपने दोस्तों को अपनी हैबत का लिबास पहनाता है तो वो इसके सामने खड़े होते हैं, बख्शिश मांगते हैं। तो याद करने वालों से पहले इनको याद रखने वाला है। तू एहसान में इब्तदा करने वाला हैबादात गुजारों की तवज्जा करने से पहले अतक में इजाफा करने वाला है। मांगने वालों के मांगने से पहले तू बहुत देने वाला है, फिर इसमें से बतौर कर्ज मांगता है जो कुछ तूने हमें दिया है। मेरे अल्लाह अपनी रहमत से मुझको बुला ले ताकि मैं तेरे हुजूर पहुंच सकूं, मुझे अपनी तरफ खींच ले ताकि मैं तेरी बारगाह में आ सकूं। मेरे अल्लाह बेशक तेरी आज तुझसे नहीं टूटेगी अगर मैं तेरी नाफरमानी करूं, जैसा कि मेरा खौफ दूर ना होगा अगरचे मैं तेरी अतात भी करूँ। बस ज़माने की सख्तियों ने मुझको तेरी तरफ धकेल दिया और तेरी नवाजिश के इल्म ने तेरी बारगाह में पहुंचा दिया है। मेरे अल्लाह क्यों कर ना उम्मीद हूँ जाऊँ जबकि तू मेरी आरजू है, या कैसे पस्त होऊंगा जबकि मेरा भरोसा तुझ पर है। मेरे अल्लाह कैसे इज्जत का दावा करूँ जबकि मैं इस ख्वारी में तूने मुझे याद किया, या कैसे इज्जत का दावा करूँ मेरी नस्बत तेरी तरफ है। मेरे अल्लाह क्यों कर फ़कीर ना बनूँ जबकि तूने मुझे फ़कीरों की सफ में रखा है, या कैसे मैं फ़कीर बनूं जबकि तूने मुझको अपने अता से गनी किया है। और तू वो है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने हर चीज़ को अपनी पहचान कराई, बस कोई चीज़ नहीं जो तुझे पहचानती ना हो। और तू वो है जिसने हर चीज़ के ज़रिए मुझे अपनी मार्फत कराई, बस मैंने तुझे हर चीज़ में आया नुमाया देखा। तू हर चीज़ पर ज़ाहिर व आशकार है, वो जो अपनी रहमत आमा के साथ कायम है कि अर्श इसकी ज़ात में नेहा हो गया है। तूने अपनी निशानियों से दीगर निशानियों को मिटा दिया, तूने अपने गैरों को नूरानी आसमानों के हलकों में नाबूद कर दिया। ऐ वो जो अपने अर्श की चलमनों में पन्हा हो गया, देखती आंखें इसे देख नहीं पाती। ऐ वो जिसने अपने नूर कामिल का जलवा दिखाया, तू इसकी अज़मत कायम और बरकरार हो गई क्यों कर पोशीदा है तू जबकि आशकार है, या कैसे तू पिना है जबकि तू निगहबान और हाजिर है। और बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और अल्लाह के लिए हम्द है जो यकता है।